हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने व्यूअर्स को आलू का पकौड़ा वो भी बिना बेसन के बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी, क्रंची और बहुत इजी होता है और बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए फर्स्टली हमने दो आलू लिया है, इसको मैंने इसका छिलका निकाल लिया है। अब हम इसको गोल गोल पतले स्लाइसेस में कट करेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं रहे, इस बात का ध्यान रखें, पतला पतला स्लाइसेस होना चाहिए। इस तरह से हम सारे आलू को गोल गोल चिप्स की तरह कट कर लेंगे। सारे आलू को हम वैसे ही कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे घोल के लिए मैंने यहाँ पे एक कप चावल को मैंने भिगोया था, ये बिल्कुल बासमती चावल है, इसको मैंने 2-3 घंटा भिगो दिया था। और यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक लिया है, 6-7 लहसुन की कलियाँ और 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा है। इस दोनों को डालकर हम मिक्सर जार में डालेंगे और बिल्कुल बारीक पेस्ट तैयार करेंगे, एक घोल तैयार करेंगे जिसमें एक भी दाना ना हो चावल का, बिल्कुल महीन, बिल्कुल बारीक पीसा होना चाहिए। थोड़ा सा पानी डालेंगे और रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और इसका एक अच्छे से घोल तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल बारीक पीस लिया है और इसका घोल यहाँ मैंने तैयार किया है। इसके कंसिस्टेंसी को अभी हम और चेक करेंगे, और इसमें देखिए एक भी दाना नहीं है। इसमें हम कुछ मसाला ऐड कर लेते हैं, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच चिकन मसाला, ये बिल्कुल वेजिटेरियन मसाला है। और यहाँ मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ 1 चम्मच। आप कसूरी मेथी को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कसूरी मेथी डालने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मेथी का एक अच्छा सा फ्लेवर आता है और हेल्दी भी होता है ये। और अगर आप पे हरी धनिया हो तो हरी धनिया के पत्ती भी आप डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच गेहूं का आटा डाल देंगे, जिससे कि इसकी बाइंडिंग कंसिस्टेंसी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। और देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी हमको इस तरह की थोड़ी मोटी रखनी है, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, नहीं तो वो आलू को पकड़ेगा नहीं। आलू अब हम इसको ढक्कन ढक कर के 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए। अब हम फ्रेंड्स सारे आलू को पकौड़ों के घोल में इस तरह से डाल देंगे और सभी के ऊपर इस तरह से हम डाल मिक्स कर लेंगे आलू के पकौड़ों में घोल को। और अब एक एक करके हम इसको फ्राई करेंगे। तेल गर्म हो गया है, पहले हम तेल चेक कर लेंगे, ये ऊपर आ गया है, मतलब तेल हो गया है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और इस तरह से हम सारे आलू के पकौड़ों को डालेंगे। और इसमें एक अच्छा सा लेयर होना चाहिए, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए लेयर और ज़्यादा पतला भी नहीं, बिल्कुल अच्छे से जैसे हम वड़ा वगैरह बनाते हैं उस तरह का लेयर होना चाहिए इसमें। और इसको हम हाई फ्लेम और मीडियम फ्लेम के बीच में रख करके इसको हम फ्राई करेंगे, जिससे कि आलू अंदर से पक भी जाए और ये क्रिस्पी और क्रंची हो। अगर बिल्कुल हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे तो क्या होगा कि अंदर से ये हल्का सा स्टिकी रहेगा और आलू पकेगा भी नहीं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप हाई टू मीडियम फ्लेम पे के बीच में ही आप इसे क्रंची फ्राई करिए। अब हम इसको 2-3 मिनट हो जाए तब हम इसको चेक करके और इसको हम टर्न कर लेंगे, पलट देंगे, और दोनों तरफ से हम एक समान सुनहरा होने तक, गोल्डन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। और आप जितनी आप इसको आपको कड़क चाहिए आप उस हिसाब से इसको गोल्डन फ्राई करें। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये कितना अच्छा से बिल्कुल अच्छा कलर आया है। अब ये हो गया है, अब हम सारे पकौड़ों को निकाल लेंगे प्लेट में। तो इस तरह से ये जो मेरा पकौड़ा बन के तैयार है, अब इसको हम फिनिशिंग करेंगे ब्लैक सॉल्ट के साथ, काला नमक लेंगे और इसको स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे कि एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है इस पकौड़ों में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये चावल के आटे या फिर आप कहिए कि चावल को भिगो करके मैंने ये पकौड़ा बना करके तैयार किया है, जो कि बहुत ही क्रंची है। आप यकीन मानिए, एक बार आप इस डिश को तो ज़रूर ट्राई करिएगा, शाम के नाश्ता हो या सुबह या फिर बच्चों को टिफ़िन वगैरह में देना हो, आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और आप इसको दाल चावल के साथ भी ले सकते हैं, जब आपके सब्जी बनाने का मन ना हो तो आप इस पकौड़े को आप ज़रूर ट्राई करें और दाल चावल के साथ इसे सर्व करें। बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी है, हेल्दी है, कोई गेस्ट घर में आ जाए तो भी आप इसको बना के दे सकते हैं खाने में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे वीडियोज़ को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।